अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इफ्रांजुम एंड दिस इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट वीडियो फ्रॉम माय व्लॉग। दिस इज अ वीडियो इन विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइज ऑल द क्रेजी थिंग्स आई हैव केप्ट टिल नाउ। मतलब मैंने आज तक अपने पास जो भी अड़गम शड़गम सब कूड़ा का बड़ा जमा करके रखा हुआ है, क्या निकलेगा इस दराज में से पता नहीं, सो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। तो ये वीडियो मैं पहले बता रही हूँ काफ़ी लंबी होने वाली है क्योंकि काफ़ी कुछ भरा हुआ है एक ड्रॉर में और मैं सारा तो दिखा भी नहीं रही। सारा दिखाऊंगी तो एक घंटे डेढ़ घंटे की वीडियो बन जाएगी। सो ये वीडियो अच्छे से देख लेना एंड आपको मज़ा आएगा देख के। पता नहीं क्या क्या निकलेगा, मैं भी थोड़ी सी हैरान हो जाऊंगी, मुझे खुद नहीं पता इसमें क्या क्या है। थोड़ी बहुत पेंटिंग्स निकलेंगी तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो हियर आई हैव दिस दिस इज अ ड्रॉर, एक्चुअली एक सिंपल सी ड्रॉर है कैबिनेट की एंड इसमें है यादों का पिटारा। मतलब मेरे बचपन की बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। ऑलमोस्ट आधी चीज़ें मैं फेंक चुकी हूँ, आधी नहीं 90% चीज़ें मैं फेंक चुकी हूँ, बट जो 10% बची है वो इसमें है। सो काफ़ी लंबी हो जाएगी बिकॉज इट हैव सो मच इन इट एंड आई हैव टू मोर बॉक्सेज लाइक दिस, बट मैंने सोचा एक दिखा देती हूँ। फर्स्ट इज दिस, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है और लास्ट ईयर लाई थी ना, नहीं लास्ट से लास्ट ईयर लाई थी। सो ये मेरी है आर्ट जर्नल जो कि मैंने कंप्लीट नहीं की है, उल्टी खोल रही हूँ एंड हेयर इट इज़। फर्स्ट पेज ही फाड़ दिया मैंने। तो ये मैंने किया था ब्लॉक पेंटिंग, प्रिंटिंग, कॉफ़ी पेंटिंग, ये डूडलिंग फ्राई दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा, और ये प्यारा सा सॉफ्ट पेस्टल से मैंने ये मंडला बनाया था, हाफ मंडला हाफ फ्लावर्स एज यू कैन सी। एंड नेक्स्ट इज ये पेंटिंग थी ये वाली, और इसके बाद मैंने कुछ नहीं बनाया। मतलब शायद जो मैं कहती हूँ वो मेरा कभी काम पूरे होते नहीं है। सो ये मुझे कंप्लीट करनी थी लास्ट ईयर, जो कि 1.5 साल हो गया है हुई नहीं है। नेक्स्ट इज दिस डायरी, टू डू लिस्ट नहीं है ये, तो मेरे को बार बार मत बोलना कि टू डू लिस्ट बनाती हो तुम। सो यहाँ पे मैंने सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स जो इंटीरियर के प्रोजेक्ट्स हैं उनके हिसाब और उनकी पेमेंट्स लिखी हुई है, और इसमें भी लिखा है और बाकी पूरी खाली है। सो ये इसके पीछे इतना मैप है और ये इसे मैप निकालना बंद होता है। ये देखो क्रेप पेपर, सब स्कूल में काम आता है ये। अब तुम्हें मेरी ड्रॉर में से ऐसी ऐसी चीज़ें निकलेंगी जो सब स्कूल में काम आती थी। नेक्स्ट है ये रैपिंग पेपर्स डुअल शेड वाले, ये पूरा पैकेट लाई थी मैंने जब मैंने पेंटिंग स्टार्ट की थी तो मैं रैप करके देती थी। अपना स्टील स्केल, मेरे पास ये सब इसलिए भी है क्योंकि मैं आर्किटेक्चर कर रही थी तो उसमें बहुत सारा सामान हमें लेना पड़ता रहता है, बहुत सारा वो निकलेगा भी। और ये है मेरे एक्रेलिक कलर्स, मेटालिक पेंट्स हैं ये मुझे पेंटिंग वाले सेक्शन में रखना पड़ेगा। मेरा नॉइस के हेडफोन्स भी इसमें पड़े हुए हैं कि मुझे सुभाष्मिता ने गिफ्ट किए थे लास्ट ईयर, और बचपन से तो बहुत ही बचपन आ गया। लुक एट दिस, ये मेरे बचपन की फोटोज हैं, ये मेरी फोटो है, ये भी मैं हूँ, ये भी, ये मेरी नमकीन खाते हुए फोटो है, ये जब मैं बड़ी हो गई। सबसे कूल फोटो जो है ना वो मेरे पापा मेरी फोटोज खींचते हुए है, ये एकदम चिल चिलैक्स। ये हमारी ईद की फोटो है, बकरा ईद की, बड़ा सा बकरा पापा और मैं। ओह मेरा स्केल टूट गया, नाइस सो मच। ये हमारा स्केल है जो यूज़ करते थे फर्नीचर के लिए और ये टूट गया। ये देखो मेरे बचपन की फोटो। ये हमारी आर्किटेक्चर की, वर्ल्ड आर्किटेक्चर की बुक। ये है मेरे आइसोमेट्रिक ड्राइंग पेन, खराब हो गया मुझे। मेरा ब्रश ये वाला नहीं ये वाला है, क्या हो गया मुझे। ये है फ्रेंडशिप बैंड्स, कितने साल पुराने हैं पता नहीं पर फ्रेंडशिप बैंड्स हैं। उसके बाद आती है ये वाली फाइल जो कि हम प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करते थे एंड वो मैं सामान दिखाती हूँ बाद में, पर फाइल ये वाली थी, वो लीफ वाली जो एकदम महंगी वाली फाइल थी ना, हमसे हमारा पैसा बर्बाद कराया स्कूल वालों ने, क्या कर रहे हो इसका। मतलब ऐसी 100 फाइलें खरीदवा दी उन्होंने बचपन से और फिकती थी, बिकती हैं वो सारी, बेकार है। तो ये है एक फोटो, एक और फोटो है, ये मैं हूँ या तोहफा है, और ये मेरी मामू की बेटी है बड़ी वाली, अब तो इसकी बच्ची भी हो गई, देख देख फरीन देख। और न्यू ईयर का कार्ड, ये हैंडमेड कार्ड्स निकलेंगे इसमें से, कुछ 10 साल पुराने कार्ड्स हैं। ये देखो ये मुझे खुशबू ने दिया था 6th क्लास में, देख रहे हो क्रिएटिविटी, देख रहे हो। ये दीवा ने दिया था मुझे हैप्पी बर्थडे का कार्ड, ये साक्षी ने दिया था मुझे
मेरा ही कार्ड चेपा था उसने, एज इट इज बना दिया था बट मेरे बर्थडे कार्ड है, मेरे साक्षी ने दिया था। दिस इज माई 18th बर्थडे कार्ड। भावना को पता भी नहीं होगा मेरे पास उसकी ड्राइंग की प्रिंट आउट रखे हुए हैं। सो मेरी क्लास में भावना थी, वो ऐसे लाइव स्केचेस ऐसे कपल वपल बनाती थी, तो उसकी एक फोटो कॉपी रखी है मेरे पास। ये लिटरली 8th क्लास की है, एकदम शादीशुदा कपल है ये। बट हेल लेजी मैं करती रहती थी बैठ के ना, मेरे पास कुछ काम नहीं था। सो दिस इज अ कार्ड विच आई मेड। और मैं लोगों को इतने कार्ड्स दिए हैं ना, किसी की कोई हद नहीं है। तो ये मैंने बनाया था, आज तक मेरे पास रखा है। सब वेले टाइम में करती थी मैं मिकी एंड मिनी। ये केमिस्ट्री लैब से चुराई हुई शीट्स है। ये वो है ना, कौन सी बोलते हैं यार, मेरे को अभी नाम नहीं आता था। ऐसे करके फिर से कैलीग्राफी चल रही है। कैलीग्राफी में मुझे 3 साल लगातार सर्टिफिकेट्स मिला है और जीती हूँ। एंड एक और मिकी मिनी, ये हमारा वो था साडाहक एथेलक। 8th क्लास में बनाया था, 9th क्लास में पता नहीं। तुम यकीन मानो मेरे पास 9th क्लास के हिंदी के एग्जाम की शीट है। तो क्लास 10th का साइंस का पेपर है नेक्स्ट। वो ये मैंने बनाया था 9th क्लास में, एकदम नग वग लगा के, ग्लिटर लगा के। सो दिस कार्ड इज मेड बाय मी। दिस इज द हैप्पी बर्थडे कार्ड। अब इसमें फोटोज नहीं आएगा। ये किसी को मत देखो। ये है श्वेता, ये हूँ मैं, और ये है साक्षी और मैं और श्वेता, और ये प्रिंट आउट है तो फोटो बिल्कुल खराब है, और कहाँ फोटो खींचते थे पहले। एंड दिस इज ऑल दे हैव रिटन, पढ़ूंगी बाद में अभी नहीं। नेक्स्ट इज दिस हैप्पी बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड एक और। एंड नेक्स्ट इज दिस प्रिटी प्रिटी कार्ड विच आई लव्ड। मैंने किसी को नहीं दिया। सो ये ऐसे विंडो खुलती है देखा, एंड व्हेन यू ओपन दिस तो हियर इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। इतनी रात को भी लोग नहीं मान रहे, मेरे को गुस्सा आ रही है बहुत, पर मैं जब गुस्सा नहीं करूँ। अब मेरी पूरी वीडियो में ठक 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 आएगा। मैं सभी दिखा देती हूँ, इसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। सॉरी, दिस इज एशियन पेंट्स की बुक। ऐसे मेरे पास बहुत सारी कैटलॉग्स हैं, वो मेरे प्रोजेक्ट के लिए काम आती हैं। हम लास्ट टाइम गए थे किस वाले इवेंट में गए थे, बट हम गए थे प्रगति मैदान, ये इंटीरियर आर्किटेक्चर वाला वो जो होता है एग्जीबिशन, एस्टेक। तो वहाँ से हम जो भी सामान लाए थे, जो कि आज तक खोल के भी नहीं देखा। हरी शीट्स है मेरे पास ब्लैंक, ये सब कॉलेज टाइम पे ली थी। ये देखो, दिस इज ब्यूटी। ये मैंने बनाई थी 2-3 साल पहले, एंड ये वाइट पेन से बनाई है ब्लैक चारकोल शीट पे। प्यार मेरी स्केचेस और रफ ड्राइंग्स हैं। ये किसी का कार्ड है, पेंटिंग की शीट्स हैं। आई हैव दिस क्यूट टॉम एंड जेरी कलरिंग बुक, मैंने कला नहीं किया है। अब मैं इसमें कलर भरूंगी, मैं रंग भर दूंगी अपनी जिंदगी में। क्या पता है इसे भरने से मेरी जिंदगी में रंग भर जाए। That was so lame, Ifra. एक और कलरिंग बुक, दो दो कलरिंग बुक है मेरे पास। क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चों पे, इसमें स्टिकर्स भी हैं। मैं तो आज खोल के देखी, सही है, नाइस। ये मुझे पता है मैं कहाँ से लाई थी, मैं सिटी वॉक से जीत के लाई थी, जब मैं गेम्स खेलना शुरू किए थे, बॉलिंग वोलिंग करके जीते थे ये सब। क्या कर रहे हैं मेरे पास, खाली है, एक एक रुपया काम आ जाएगा, निकालूंगी। ये मेरे सपनों का घर है, ठीक है, मुझे ऐसा ही घर बनाना है। आप भी ऐसे सपनों का घर बना सकते हो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये, कौन है बताओ। ये बिल्कुल भी घर अच्छा नहीं बना है, बट ही इज कैप्टन अमेरिका। बहुत प्यारी सी डूडलिंग है ये, मैंने की थी, इसमें गोल्ड पेन भी यूज किया, व्हाइट और ब्लैक और सब। ये है हमारी स्पॉन्ज पेंटिंग। हाँ, ये हमने स्पॉन्ज से की थी, एंड इसकी प्रॉपर यूट्यूब पे वीडियो थी मेरे, बट है ये नहीं पता। ये है हमारी ईयरबर्ड पेंटिंग। यार अच्छी 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 प्यारी प्यारी पेंटिंग बनाई थी। नेक्स्ट आई हैव दिस ट्राइंगुलर स्केल, कॉलेज में काम आता था ये मेरे, स्कूल में भी मेरे पास ईडी थी, तब इंजीनियर ड्राइंग थी, उन पर बहुत प्यारी स्केल है।
90. नेक्स्ट हम देखते हैं, वो ये मेरे कलर बन के पेटेंट स्टिकर है, मेरे खुद के बनवाए थे जब मैंने पेंटिंग स्टार्ट की थी और अभी मैंने छोड़ दिए. एक और ये सब मुझे लग रहा है मुझे अपनी ढंग से डायरी बनानी चाहिए, वहाँ पे ये सब चिपका लेनी चाहिए. कितना प्यारा लग रहा है, मेहंदी के डिजाइन में कुछ भी कर रखा है मैंने, बहुत टाइम लग के बनाता है मैंने. और बहुत सारे शादी के कार्ड निकलेंगे, इसमें से बहुत सुंदर सा कार्ड था ये रहा, क्योंकि ये अच्छा ये तो शायर और मयंक भाई की शादी का कार्ड है. सॉरी, ये शायर और मयंक भाई की शादी कार्ड है यार, मेरे पास रखा है, पता नहीं उनके पास होगा कि नहीं होगा. ये हमारे बहुत काम आती थी प्रोजेक्ट्स में, विंडोज और डोर्स के लिए, मुझे इसका नाम नहीं आता रहा अभी, बट 6-7 से मैंने संभालते रखी. तो देखो मेरे पास और भी सारे स्केल हैं. पीला सर्कल वाला स्केल, दिस इज अगेन फर्नीचर वाला लेआउट स्केलिंग, फर्नीचर लेआउट स्केल है ये. मोर शीट्स दिखेंगी नहीं क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, बट आई हैव बहुत सारी अभी. और इसमें से निकला है डी स्केल, ये आता था ना वो जो ज्योमेट्री बॉक्स आता था उसमें से ट्राइंगुलर स्केल होता था, डी स्केल होता था और परपेंडिकुलर, पता नहीं क्या होते हैं, मुझे नाम नहीं आता. तो ये तब हमारे बचपन में काम ही नहीं आता था, बड़े होकर यही काम आया सारा. अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबमिशन है, सबमिशन देखो. और इसमें तो इसमें से और कुछ निकला, और मेरे हाथ एक चीज लगी है. Himanshi won't believe because वो देखती है ब्लॉग. सो ये है मेरे फ्रेशर्स कॉलेज के, अनऑफिशियल फ्रेशर्स के पासेस, इल्यूमिनार 2017. और यहाँ बड़ा बड़ा लिखा है इफ्रा अंजुम नॉन अल्कोहलिक है. और ये था 16 सितंबर 2017 खास में ABCD लोडेड में. मेरे पास क्या कर रहे हैं ये. फर्स्ट ईयर के एंड में हमारा एक प्रोजेक्ट था, उसमें हमें जर्नल बनानी थी अपने कॉलेज के पूरे एक साल की, और उसमें हमने एक ये फोटोज लगाई थी. तो इस मेरा और हिमांशी का फोटो है, दिस इज मी एंड हिमांशी, मैं हिमांशी, हर्षिता, राधिका, मतलब इतनी सारी हिमांशी की फोटो क्या कर रही है. ये मुझे लग रहा है उसके बर्थडे कार्ड के लिए थी. एक और कलर्ड फोटोज, ये फोटो मुझे बहुत पसंद है, मतलब प्रिंट आउट है क्या फोटोज. एंड नेक्स्ट इज ये टैटू बनाया था अपार ने मेरे नासा के इवेंट में, लुक एट दिस, ये मेरा हाथ है. एंड ये हमारी डांस परफॉर्मेंस थी फ्रेशर्स की, चौथा वे गए, चौथा, देख रहे हो ये सब. हिमांशी यू हैव टू सी दिस वीडियो. इसमें सबसे पहला फोटो है हमारे पापा का, एकदम सुपरस्टार लग रहे हैं ये देखो. इन्हें हीरो ही बनना था पर पता नहीं ये हमारे साथ यहाँ क्या कर रहे हैं, इन्हें बॉलीवुड में होना चाहिए था. और ये मैं मजाक से हट के बोल रही हूँ बिकॉज ही लिटरली ट्राइड फॉर बॉलीवुड, बट उनको सीरियल्स मिल रहे थे उस टाइम पे एंड उनको सीरियल नहीं करने थे, कर लेने चाहिए थे यार, आज हम यहाँ नहीं होते. ये है हमारे 12th क्लास की फोटो, तो जो भी एनजीए का इसमें पढ़ा है उसे पता ही है कि इस तरह की फोटो मिलती थी और पेड फोटो होती थी. एंड मैं यहाँ हूँ बहुत पतली नाजुक. ये हमारे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, निधि मैम, पैडी सर, पलविंदर नाम था उनका, और ये मेरी क्लास के सारे लड़के और ये सारी लड़कियाँ. ये लाइनों वाली शीट, मतलब मैं स्टेशनरी भी खोल सकती हूँ, इतना सा मैंने यहाँ पर स्टेशनरी का भी. इस सर्टिफिकेट आई गॉट इन 11th, दिस इज फॉर एग्जीक्यूटिंग ड्यूटीज एज कल्चरल हेड. ये है मेरा 2006, ये मेरा 4th क्लास का है, को करिकुलर किक स्टार्ट इवेंट में फर्स्ट आई थी मैं, वो है. हैव दिस पेंटिंग कॉम्पिटिशन, देन दिस इज को करिकुलर एक्टिविटीज, और 5th क्लास का को करिकुलर yatra.com का. अंताक्षरी का ये पार्टिसिपेशन है कि वो जीती नहीं थी. ये मैंने बनाई थी 9th क्लास में और ये कैलेंडर में प्रिंट हुई थी, वो कैलेंडर तो नहीं है मेरे पास, फेंक दिया. 8th क्लास की को करिकुलर का कैलीग्राफी कॉम्पिटिशन, सैटरडे एक्टिविटीज, 7th क्लास के किसी क्विज का सर्टिफिकेट था. ये मेरे कॉलेज का है, दिल्ली टेक्निकल कैंपस, बट मेरे बाकी सारे सर्टिफिकेट्स किसी दोस्त के घर पड़े हैं इतना मुझे याद है. और मेरी सबसे प्यारी पेंटिंग खराब हो रही है, रखे रखे. ये देखो ये मेरी पेंटिंग जो मैंने बनाई थी, इसका पूरा ट्यूटोरियल है इस चैनल पे. ये स्पॉन से बनाई थी और ये बहुत प्रिटी है, सेम पेस्टल कलर यूज करके बनाया था मैंने. एंड मेरा पेंट मिक्सिंग पैलेट, दिस इज बियॉन्से की बुआ,
मेरा सैशे था और ये मुझे इसलिए मिला था क्योंकि मैं बहुत नाची थी अपनी फेयरवेल पे, फ्रेशर्स पे, नॉट फेयरवेल, सॉरी, मैं अपनी फ्रेशर्स पे बहुत बहुत डांस किया था। मतलब मेरे पैरों के पास में कांच फूटा पड़ा और मैं सिर्फ नाच रही थी, तो मेरे को ये वाला टाइटल मिला था। देन वी हैव आइसोमेट्रिक स्केल, एक और मिक्सिंग पैलेट, ये फिफ्थ क्लास में ली थी मैंने, ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश डिक्शनरी, कहते थे ना समर वेकेशन में पढ़ने के लिए, देखो अभी तक रखी है। ये हमारे NGFS की 12th क्लास की मिला था ये, मोर ट्रांसपेरेंट शीट्स, इसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गई यार, आई वॉज डूइंग समथिंग, पता नहीं मैंने क्या बनाया, बस बनाया है। मैं अपने सामान ना फेंकती ना, मैं दिखाती हूँ पास क्या क्या होता था, कि मेरी ड्राइंग शीट्स हैं सब। कि मैंने हिंदी और उर्दू की कॉपी लाई थी, जाम वजह से जो मैंने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो मुझे बाहर की पड़ी क्योंकि मुझे उर्दू सीखनी थी, तो मैं ये कॉपी जाम वजह से लाई थी। इससे याद आया, मैं इनको ट्राइंगल स्केल बोल रही हूँ, सेट स्क्वायर्स हैं ये सारे, और मेरे पास एक अच्छा वाला महंगा वाला सेट स्क्वायर भी है नगीना का, तो दिस इज लाइक दिस, और ये इस तरीके से खुलता है। ये देखो मेरे पास है हैंडमेड शीट्स, और इनको मैं यूज करके बनाने वाली हूँ रमजान मुबारक वाला डेकोरेशन का सामान। पहले मेरे पास थैलियाँ भर भर के पेपर होते थे, हमेशा से मैं क्राफ्ट वाली और पेंटिंग वाली लड़की थी, देखो खुद ही देख लो, स्टिकर और ये 3D, ये कौन सी है, ये थिक वाली 3D शीट्स, ये देखो स्टेंसिल्स, लीव्स फॉर डेकोरेशन वाली शीट्स है, आई हैव सैंड पेपर टू, सोचो ये वाले पेपर, आई डोंट रिमेम्बर वॉट वी कॉल दीज, ये हम यूज़ करते थे सैटरडे एक्टिविटी में, रिमेंबर गाइस, तो तुम लोगों को शायद याद आ गए ये वाले। तो मुझे बचपन से ना ऐसे आर्टिस्टिक से शीट्स बहुत पसंद थी, तो मैं इस तरीके की प्रोजेक्ट्स के लिए शीट्स लाती थी, महंगी आती थी, लड़के ना एकदम वो ये वाली कहाँ गई, वो प्लेन वाली शीट्स यूज़ कर लेते हैं, और 10-20 रुपए का पैकेट आता है, हमें देखो हमें से 5 रुपए की एक शीट ला रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लावर होने हुए हैं। तो ये है लड़कियों का, मेनू में बहुत था, ये देखो सनबर्न तक रखा हुआ है यहाँ पे। सो आई फाउंड वन मोर कार्ड, दैट इज अ मिनी कार्ड ऑफ बेस्ट विशेस। यहाँ पे मुझे एक CD भी मिली है, मतलब इसमें थी, सो इस पे लिखा है 2012 NGFS, और ये हमारे एनुअल डे फंक्शन की है, एंड आई वॉज इन 10th, तो ये तब की CD है, बट आई डोंट हैव एनी लैपटॉप और anything इन which इट कैन बी inserted एंड सीन, तो मुझे नहीं पता ये दिखेगी अभी, इसको देख पाएंगे, रिट्रीव कर पाएंगे, क्योंकि इस पे स्क्रैचेस बहुत कम है। मैं खुद देखना चाहती हूँ, और मैं सबके डांसेस देखना चाहती हूँ, वो परफॉर्मेंसेज बहुत अमेजिंग एनुअल डे हुआ था हमारा, एंड अगर हमारे स्कूल का कोई भी देख रहा होगा तो उसको याद आ जाएगा। मेरे पास ये IDs हैं, दिखाती हूँ, सो ये मेरी 12th क्लास की ID कार्ड है, दिस इज़ 8th क्लास का ID कार्ड, एंड ये तो मेरे ऑफिस का है फर्स्ट जॉब का, एंड दिस इज़ 10th, 7th, तो 7, 8, 9, 10, 9 आई डोंट हैव। बस ये ID कार्ड्स भी रखे हुए अपने स्कूल के, ये मॉनिटर 12th B की मॉनिटर थी मैं, ऐसे ही रेड कलर का भी है मेरे पास, उस पर क्या लिखा है, कल्चरल हेड, तो मैं कल्चरल हेड थी 11th में, तो उस पर 11th B और कल्चरल हेड लिखा है, और ये एक बहुत ही बचपन की पासपोर्ट साइज फोटो, मेरी 6th क्लास की फोटो है। सो दिस इज़ वन ऑफ द ड्राॅइंग फाइल्स जिसमें हम माइक्रॉन्स यूज़ करते थे, माइक्रॉन इज़ अ पेन, स्टिपलिंग के लिए, मतलब डॉट एंड लाइन से हम ये पूरा ड्रॉ करते थे, और ये हमारे डिज़ाइन क्लास वाले सर ने हमको दी थी, एंड इसमें आपको काफ़ी सारे प्लांट्स और अलग अलग तरीके के टेक्सचर्स यूज होते थे टू क्रिएट एन इमेज। सो मुझे यहाँ पे 3 शीट्स और मिली हैं, फर्स्ट इज दिस लैम्प, ये प्रिंट आउट है, बट ये लैम्प मैंने बनाया था कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, एंड ये सारी कार्विंग है, तो ये सनबोर्ड पे सारी कार्विंग की थी, एंड मतलब लैम्प बनाने का प्रोजेक्ट मिला था, एंड ये बड़ा यूनिक सा लैम्प डिज़ाइन बनाना था, सो दिस वाज इट, एंड यहाँ पे ऐसे आपकी सिल्वर शीट लगी हुई है, और ये है वो टेप के सर्कल्स, एंड उसमें जाल बना हुआ है तारों से, आई गेस आपको पता नहीं ठीक से दिखेगा नहीं दिखेगा, दिख जाना चाहिए, बट इसकी कार्विंग इतनी मुश्किल थी ना, आप खुद देख सकते हो, एकदम बारीक बारीक पत्तियाँ हैं ये, और एक और मंडला, मतलब काफ़ी पुराने हैं यार ये, बहुत पुराने पुराने हैं, ये मैंने पिंटरेस्ट पे देखा था, तो मैंने वो भी बना लिया, तो ये 3 मुझे और मिल गए इसमें, एंड एकदम लाइट का बहुत लोचा हो रहा है आजकल मेरी वीडियो में,
बैकग्राउंड और लाइट एकदम कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो मैं डिसाइड नहीं किया था आप लोगों को ये सब दिखाऊंगी, बस एकदम रैंडम बन गया। यू गाइज लेट मी नो कि आप लोगों के पास भी ऐसे बहुत कुछ है क्या बचपन का, मतलब मेरे पास इससे भी ज़्यादा था, मैं बोल रही हूँ मैंने फेंक दिया क्योंकि घर में जगह नहीं और मैंने भर रखा था। मैंने फर्स्ट सेकेंड क्लास से लेके अभी तक का हर एक आर्ट और क्राफ्ट रख रखा था, फेंक दिया मैंने। सो दिस वॉज जस्ट 10% ऑफ इट, आई गेस 1% ऑफ इट, तब ये वीडियो इतनी लंबी हो गई। और थैंक यू मुझे झेलने के लिए इतनी देर, एंड आई होप आपने लास्ट तक ही देखी है वीडियो, और अगर आप लास्ट में आकर देख रहे हो तो दोबारा से जाकर देखो, पूरी वीडियो देखो एंड मुझे बताना इसमें आपको क्या क्या खुद को आपको स्ट्राइक हुआ कि अरे हाँ हमारे पास जो सर्टिफिकेट्स हैं ये वो, मेरे को वो नहीं मिला यार कल्चरल हेड वाला, वो मैं कल्चरल हेड थी 11th में तो वो मेरा फेवरेट था, रेड कलर का था, उस पर फ्रंजम लिखा था। आउटरो इतना लंबा हो रहा है क्योंकि मेरे से बात करने के लिए बहुत कुछ, आज इतना कुछ दिखा चुकी हूँ मैं। तो यार दैट वाज इट, और ज़्यादा बोलूँगी तो आप लोग बोर हो जाओगे, और जाने से पहले क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर कर देना, एंड इसके नेक्स्ट आ जाएगा इफ्तार का व्लॉग। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।